स्वअल्प आयु, जिसने ये ढूंढ लिया कि स्वअल्प आयु अल्प आयु क्या होता है, वो सही मार्ग में अग्रसर होते चले जा रहे हैं। कम उम्र में, बहुत छोटे से समय में, स्वल्प आयु में स्व का बोध प्राप्त करने वाले भक्त प्रह्लाद थे। मीरा जी थी, जिनको बहुत कम उम्र में परमात्मा का बोध हो गया। आज उसी चीज़ को मनुष्य भूलते चले जा रहे हैं। अरे बोलते हैं, मैं तो इतना खटता हूँ, इतना कमाता हूँ, शांति नहीं है, भोग नहीं है। क्या भोगेंगे आप? 84 लाख जोनी सामने इंतजार कर रहा है। इस बार इस शरीर से निकल करके 84 लाख में एक बार स्लिप कर गए तो करोड़ों अरबों वर्ष तक नहीं निकलेंगे। आप क्या समझते हैं कि सुअर की जोनी, गधे की जोनी, कुत्ते की जोनी, शेर की जोनी, सांप की जोनी एक ही बार है? नहीं। अगर मनुष्य का मन इस तरह की धारणा बना लेते हैं कि मैं मनुष्य में हूँ, तो मनुष्य में होते हैं, लेकिन उसके लिए जिस समय शरीर से प्राणांत होता है उस समय ईश्वरीय सत्ता से लगना पड़ता है। माया से ऊपर जाने की राह में चलने वाले चेतन आत्मा को यह पता है। जो जीव भाव से शरीर है वो माया पार करके ब्रह्म भाव में आ जाते हैं, तब जा कर के यहाँ तक के पहुँच होती है। अगर माया का पर्दा जीव पे पड़ा हुआ है, ब्रह्म भाव में नहीं आएंगे, तो मन आपका कभी भी ऊपर उठने नहीं देगा। आपको ऊपर चलना है, मनुष्य हैं। अब कितना कैसे समझाया जाए आप लोगों को, मैं खुद समझदार नहीं हूँ। शब्द बिना श्रुतियानड़ी नहीं, ये किसी संत का कहा हुआ है, शब्द बिना श्रुति आन्हड़ी। श्रुति कहते हैं वेद को, उसको लोगों ने अंधा बना दिया। इस कलियुग में परमात्मा ने मुझे कह दिया कि कह दो कि समझ बिना श्रुति आन्हड़ी। समझ नहीं आया तो वेद को अंधा बना दिया। शब्द बिना श्रुति आन्हड़ी, कहो कहाँ लौ जाए, द्वार न पावे शब्द का, पुनि पुनि भटका खाए। नहीं, शब्द बिना नहीं, समझ बिना श्रुति आन्हड़ी। बताओ आप कि फिर लौ कहाँ जाएगा, ये ज्योति कहाँ जाएगी? इसको संतों, ऋषियों ने, महर्षियों ने बिंदु नाद अनुसंधान करके स्पष्ट कर दिया कि समझ में अगर आ गया तो ये शब्द बिना श्रुति आन्हड़ी कहने वाले या इसको मानने वाले लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ायो राज, जिन जिन शब्द विवेकियाँ तिनके सर गयो काज। संतों की कमी नहीं है, भेषधारी ज्ञानियों की कमी नहीं है, वेद पाठी, शास्त्र पाठी, लेकिन सद्ज्ञानियों की कमी है। ज्ञान तीन प्रकार से अर्जित होता है। आज मैं अमित जी के हीरोज के माध्यम से संसार को बता सकता हूँ। अध्ययन ज्ञान, दिन रात अध्ययन करते रहिए। सृष्टि में, भारत में ही नहीं, पूरे सृष्टि चक्र में जितने शास्त्र सबको पढ़ जाइए, सबको याद कर लीजिए, सबको रट लीजिए, मंच पे बैठ जाइए, लोगों को समझाने लगिए, वो है अध्ययन ज्ञान। दूसरा है अध्यात्म ज्ञान। अधिकार हो अपनी आत्मा पे। कैसे करेंगे अधिकार? आत्मा पे अधिकार कैसे करेंगे? योग से, तप से, माला जप से नहीं, योग से, तप से, ध्यान से, साधना से। तीसरा है अनुभव ज्ञान, कि जब तक वायु का स्पर्श आपके शरीर पर नहीं हो जाता तब तक वायु का वर्णन करने के लिए आप कहीं भी सक्षम नहीं है। जल पान करते हैं तब जाकर के लगता है कि हम प्यासे थे तो प्यास बुझा,
पानी 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 वाटर 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 नीर नीर नहीं, इससे प्यास नहीं बुझेगी। इसको कहते हैं अध्ययन ज्ञान। किताब ने लिख दिया कि पानी पियोगे तो पेशाब भी होगा और प्यास भी लगेगी, प्यास भी लगेगी और पेशाब भी होगा, शास्त्रों में लिखा है। उसके लिख देने से आपको क्या होगा, क्या मिलेगा? प्यास मिट जाएगी? कभी नहीं। इसलिए अध्ययन ज्ञान से ऊपर उठ जाइए, अध्यात्म ज्ञान में आइए, अपनी आत्मा पे अधिकार कर लीजिए। कैसे? कि प्यास अगर लगती है तो अभी नहीं पिएंगे, क्योंकि ये गंदा जल है। सोच लीजिए गंदा जल है। भगवान बुद्ध ने कहा था आनंद से कि प्यास लगी है जल लेकर के आओ। उनकी परीक्षा भी थी और ज्ञान बोध कराया गया था। आनंद गए थे जल लाने, उसी समय आनंद के आगे से एक बैलगाड़ी चला गया, पास कर गया, तो जल प्रवाह, जल की धारा गंदी हो गई। आनंद को समझ नहीं आया, उठा करके लेके भगवान बुद्ध के सामने रख दिया। वो हंस दिए और क्या बोले, बैठो बैठो बैठो। थोड़ी देर ठहर जाते तो वहीं साफ हो जाता। अब यहाँ ठहरना पड़ेगा, यहाँ साफ होने दो। इस प्रकार से आप इस चैनल के माध्यम से ले करके थोड़ी देर रुक जाएं, ठहर जाएं, आपके अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी। ये उदाहरण देने का यही एक तात्पर्य है कि ठहरो, देखो, फिर जाओ। ठहरो, देखो, फिर जाओ। कहाँ जा रहे हो? ये मनुष्य योनि के लिए है। आप इसमें कतई संकोच नहीं करेंगे कि ठहरो, रुको, सोचो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, 84 लाख में जा रहा हूँ या सप्तलोक में नरक में जा रहा हूँ या रौरव नरक में जा रहा हूँ। ठहरो, सोचो, एक मिनट देखो। आज आपके सामने सनातन खुल करके अपने गुरु के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से इन शब्दों में प्रवेश करा रहा है। क्या? कि ठहरो, रुको, अभी प्रलय आने की स्थिति में है। प्रलय, प्रकृति में सभी लयबद्ध हो जाएंगे, कोई किसी का रखवाला नहीं होगा। देन आफ्टर, उसके बाद होगा महाप्रलय। अभी प्रलय में आओ आप, प्रलय को रोको। प्रलय कैसे रुकेगा? आशा, तृष्णा, लोभ, लालसा, मोह, माया, मद, काम, व्याप रहा या ही काया में जपत देत नहीं नाम। आप चाहे जैसे भी किसी का नाम जपते हैं, राम जपते हैं, रहीम जपते हैं, ईसा जपते हैं, नानक जपते हैं, रविदास जपते हैं, वही नाम है। राम जपते हैं, कृष्ण जपते हैं, वही नाम है। नाम में ही सत्ता है, नाम में ही शक्ति है, नाम में ही ऊर्जा है। ध्यान लगा के देखें तो कम से कम। आज मैं अपने हाथ में बाइबल, जिसे पवित्र शास्त्र कहते हैं, हाथ में सामने रख करके गीता का उपदेश ही पढ़ सकता हूं जो बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल साक्ष तो होगा। हम बाइबल लेकर के बैठ जाएं पवित्र शास्त्र और पढ़ने लगें गीता के 18 अध्याय का श्लोक, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति में लभते पराम, मद भक्ति लभते पराम, मद भक्ति लभते पराम। हरिओम।